आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। फिर मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनमें से एक भी भाग न निकलेगा, और जो अपने आप को बचाए वह बचने न पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, और चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, और चाहे वे कर्मेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो परंतु वहां मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा, और चाहे शत्रु उन्हें हांक हांक कर बंधुआए में ले जाए परंतु वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात करूंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं बुराई ही करने के लिए दृष्टि रखूंगा, क्योंकि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाशमंडल की नेव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियो, यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम मेरे लेखे खुशियों के बराबर नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से नहीं निकाल लाया और पलिश्तियों को कप्तर से और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा, तो भी पूरी रीति से मैं याकूब के घराने को नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में वे सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे तो तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और प्राचीन काल में जैसा वह था वैसा ही उसको बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतते जोतते लवना आरंभ होगा और दाख रौंदते रौंदते बीज बोना आरंभ होगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियां पिघल जाएगी, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर फल खाएंगे, और मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर उखाड़े न जाएंगे। तेरे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।